साथ वाव का कोई भी प्रोडक्ट आपको फ्री जा रहे जा रहे जा बेटा ने तो आज तो ले जाते बाबा नहीं है हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मेरा ब्रेकफास्ट मैं अभी प्रिपेयर करने किचन में गई ही थी कि मैंने देखा दूध ख़त्म हो गया है। दूध वाले भी आजकल कुछ लेट आते हैं और मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है और फिर जाना है शॉप पर। एक बार जाकर आ जाऊँगी, फिर बाद में खाना वगैरह पका के जाना है। सो आगे का प्लान देखती हूँ क्या कैसे होने वाला है, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत भी आज थोड़ी ख़राब लग रही है मुझे, इसलिए। ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब जाती हूँ शॉप पर और मेरे हेयर वॉश करवा देती हूँ, क्योंकि कल ही मैंने हेयर्स में ऑयलिंग करवाई थी तो हेयर वॉश आज करा देती हूँ, चूँकि उनको फ़ोन कर दिया है मैंने। हैंड पकड़ लो, हाँ ऐसे। चल 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 पीपी जा रहे, इधर आजा, चढ़ जाओ। कहाँ जा रहे? हाँ कहाँ जा रहे? पीपी जा रहे, चढ़ जाओ चढ़ जाओ, चलो चलो आगे बैठ जाओ। नहीं नहीं बैठ जाओ, चलो चलो चलो, बैठा बैठा दो बैठा दो, आएगी। चलो चलो जा रहे जा रहे जा रहे, चलो चलो। ओ पीछे बैठा दे तू, लो वाह पीछे वाह पीछे पीछे पीछे, आ जाओ आ जाओ, वो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। चलो क्यों बैठा नहीं, आगे आगे नहीं बैठता? नहीं 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 नहीं, बाय 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 बाय, चलो बैठ जाओ पीछे, जा रहे जा रहे जा रहे जा। बैठाने दो, आज तो ले जाते ले, चलो मैं लेके बैठती हूँ, आजा। बाबा नहीं है, बाबा नहीं है। हाँ गुड़िया तो ले, हेयर वॉश करवा देती हूँ। लेके आ गई हूँ बम्पर धमाका, जिसके अंदर है मरियाज के ये सारे परफ्यूम्स। देखिए आप, सारे परफ्यूम्स की पैकेजिंग कितनी ज़बरदस्त है और बॉटल्स तो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और मरियाज का कोई भी परफ्यूम अगर आप परचेज करते हैं तो उसके साथ वाव का कोई भी प्रोडक्ट आपको फ्री है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और उधर साइड भी हैं वाव के प्रोडक्ट्स। तो आप मरियाज की कोई भी अच्छी एक फ्रेग्रेंस के साथ वाव का हेयर और फेस के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, तो आप अपने खुद की ग्रूमिंग के लिए ये चीज़ें परचेज कर सकते हैं। शॉप का ऊपर अवेलेबल है और यहाँ पर आओगे तो आपको बेस्ट ऑफर्स और भी पता चलेंगे, तो जल्दी से विजिट कीजिए। हेयर वॉश हो गया है और अब चलते हैं घर पर, खाना वगैरह बना कर फिर आएंगे। आज थोड़ी ठंड भी लग रही है और मैंने हेयर वॉश करवाया है तो धूप में ही बालों को सुखाने के लिए बैठी हूँ। तो ये चिकू आ रहे हैं अभी मेरे पास बैठने के लिए। कुछ नहीं, हेयर को सुखाया जा रहा है नेचुरल सनलाइट में। आ जाओ आप भी बैठ जाओ। लगा के तो नहीं बैठ रही आज इसके। खाना खा लिया है, अब मैं जा रही हूँ शॉप पर। और आज मेरी तबीयत मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही है, पर तो भी क्या करूँ। ओ ये क्या हो रहा है? है ये क्या हो रहा है इधर? चाचू का चाचू से प्यार कैसे जाग गया? सफाई हो रही है। हैंग में सफाई हो रही है, सफाई को दो। चिकू छोटी बोतल पकड़ा गई है। पॉलिश कर रहे हो? वाओ वाओ कर कर के कब से खेल। ऐसे करने का है हिम्मी, ऐसे करने का हिम्मी हिम्मी बोलो, हिम्मी चाचा ही बोलो, चाचा ही बोलो, चाचा को दे दो। नहीं
चाचा ही बोलो ये इधर रखने के। अच्छा अब ये दे रही है तुमको, ये कहाँ फिश फिश करने का। ये ठीक है नहीं यार, रख दो जगह पे रख दो। ओ गिर गई, वो जमाई है देखो ना। ये ये ओ गिर गई। वो भी रख दो। ओ जगह ही नहीं है। ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, अब डाल दो। सब पता चलता है ढक्कन ढक्कन लगाना। ओ हो गया ये। जा अंदर रखो। वो बापोच बापोच ऐसे पकलो, ऐसे ऐसे पकलो, अंदर रखो जाओ, ऐसे पकलो, ऐसे पकलो, ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे पकलो, ऐसे ऐसे। अब इसके हिसाब से पकड़ेगी। इसकी क्या डब्बा है अंदर खिलौने वाला, वो पैक करती होगी किस लिए। जा रखा अंदर, सब खबर तो सब पड़े है, पैकिंग करी ने। ओ ये रह गया चाचू, ये याद दिला रही है। दे दे चाचू को। ये थैंक यू ए मटर, थैंक यू टेटे, थैंक यू। चलो चलो पी जा रहे हैं। अच्छा पीपी गाड़ी अभी साफ करवा लगी आवेगा नहीं, पूरी गाड़ी साफ करवा लगी। गाड़ी चालू करो तो फिर आ जाएगी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ओ ये पी कर दे, ओ ये पी कैसे कर दे। इसके इससे बचो भाई, इसको जाने दो, इसको नहीं आना ही। शॉप पर आ गए और आपने देखी होगी हिम्मी की मस्ती। हिम्मी कभी चिकू के पास नहीं आती है, पर आज हिम्मी को क्या पता, गाड़ी साफ कर रहे थे तो उसको मज़ा आ रहा था गाड़ी साफ करते हुए देखने में। पास में थी, अब हो सकता है थोड़ी अटैचमेंट हो चिकू से उसको। बॉडी वॉश आज होगा मेरा फेशियल, काफ़ी दिनों से प्लान कर रही हूँ फेशियल करवाने का, पर कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, पर आज तो कर ही देना है। तो अभी फेशियल के लिए सेटअप ज्योति लगाएगी, ज्योति सेटअप लगा दो। मैं भूत जैसी लग रही होंगी, पर मैंने अभी लगाया है फेस शीट मास्क एंटी एक्ने का, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का, जो कि चिकू को भी मैंने लगाया था थोड़े दिन पहले, पर वो विटामिन सी का था, ये एंटी एक्ने है। मुझे थोड़े से गालों पे एक्ने की प्रॉब्लम हुई थी, मैंने कहा सोचा कि क्यों ना मैं फेस शीट मास्क यूज़ करूँ, हो सकता है इससे मेरे जो पिंपल्स हैं वो थोड़े कम हो जाए। और एंटी एक्ने है ये टी ट्री वाला है, तो टी ट्री तो हमारे जो पिंपल्स है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। और अभी लग गया है तो 10 मिनट तो हो गए, 5 मिनट और रहने दूंगी और फिर इसको रिमूव करूंगी और आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। फेस पूरा रेड रेड हो गया नहीं। पर अभी फेस पर अच्छा एक ग्लो है और थोड़ी देर स्किन को रिलैक्स करने देते हैं, फिर मैं आपको मेरी स्किन बताती हूँ। फुल फेशियल के बाद फेस का लुक कुछ ऐसा है, मेरे फेस पर काफ़ी टैनिंग हट गई है, प्लस ये जो स्पॉट्स है वो भी लाइट हुए हैं, ये कल तक आई होप कम हो जाए। और पिंपल्स तो सिर्फ ये दो ही थे, वो मुझे अभी पीरियड्स का इशू था इस वजह से हो गए थे, बाकी तो हट जाएंगे, बाकी मुझे पिंपल्स का ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। और
अब आगे चलते हैं आगे और शॉप पर और कुछ एक्साइटिंग और बताते हैं आपको। मैं आ चुकी हूँ आगे शॉप पर और आज मैं आपको एक अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ, जो प्रोडक्ट आजकल की बिजी स्केड्यूल में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये प्रॉब्लम सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, बॉयज़ को भी होती है। ये प्रॉब्लम है टैनिंग की प्रॉब्लम। टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा फेस को ख़राब दिखाने वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी स्किन का टेक्सचर जो होता है उससे काफ़ी डल लगता है टैनिंग की वजह से। टैन हमको धूप से भी हो सकती है, मिट्टी से भी हो सकती है, काफ़ी सारे रीज़न से हो सकती है। हमारा जो स्किन रूटीन है वो अच्छा नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकती है। काफ़ी सारी यानी ऐसी चीज़ें होती है जिससे हमारे फेस पर टैनिंग है वो इकट्ठी हो जाती है। अब टैनिंग को हम कैसे रिमूव करें? टैनिंग को रिमूव करने के लिए बेस्ट ऑप्शन एक सलून तो है ही। अगर आपके सलून आपके पास सलून जाने जितना टाइम नहीं है, या फिर आप लड़के हो आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम फेस को यानी इतना पैम्पर करवा सके या फिर टाइम टू टाइम इतनी केयर कर सके, मैं उसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा एक प्रोसेस बताने वाली हूँ और आपकी स्किन को वो एकदम नीट एंड क्लीन कर देगा। उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का फेस का क्लीनअप, जिसमें है फर्स्ट हमारा है क्लिंजिंग मिल्क। क्लिंजिंग मिल्क हमारे फेस से सारे जितने भी यानी डर्ट है हमारे फेस पर, जो भी पॉल्यूशन है, जो हमारे फेस को काफ़ी डीपली अंदर तक गंदा कर चुका है, उसको रिमूव करने में काम आएगा। जिसको हमको थोड़े से वाटर के साथ फेस के ऊपर मसाज करनी है, यानी 1 से 2 मिनट मसाज करनी है, हमारा फेस एकदम डीपली क्लेंज हो जाएगा। एंड देन फिर हमको किसी भी कॉटन से या फिर कोई अच्छा कॉटन के रूमाल ऐसा कोई हो जिससे हमारा फेस हम अच्छे से क्लीन कर सके। और वो चीज़ ध्यान रखें जिससे हम हमारा फेस क्लीन कर रहे हैं वो यानी वेट होना चाहिए और उसमें जम्स ना हो, इतना ध्यान रखें, क्योंकि हम हमारे फेस को डीपली क्लीन कर रहे हैं इसलिए, ताकि हमारे जो टैनिंग रिमूव करने का प्रोसेस है वो अच्छे से हो। तो हमारा जो क्लिंजिंग मिल्क है वो हो चुका है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्क्रब। स्क्रब हमारे फेस के ऊपर की जितनी भी डर्ट की लेयर है उसको रिमूव करने में काम आएगा। जो हमारा टैनिंग लगा हुआ, टैनिंग की एक लेयर हमारे फेस पर अलग ही बन जाती है, जो हमारे फेस पर अगर बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए तो जम भी जाती है। इसको हटाने के लिए हमको स्टीम लेके फेस को रिमूव फेस पर ये स्क्रब करना है। अगर हम स्टीम हमारे फेस पर ज़्यादा टैनिंग नहीं है तो हम डायरेक्टली स्क्रब भी कर सकते हैं, ये टैन को ऐसे ही रिमूव कर देगा। इसको हमें 2 से 3 मिनट थोड़ा पानी हमको लेना है और साथ साथ में फेस पर जेंटली मसाज करना है, ज़्यादा हार्शली मसाज नहीं करना है, हमको हल्के हाथ से ही मसाज करना है नॉर्मली, जैसे कि मैंने मेरी वीडियोज़ में बता रखा है। और अगर आपको थोड़ा भी मसाज के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बोलिए, मैं मसाज फेस मसाज के लिए स्पेशली एक वीडियो क्रिएट करूँगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी इस वीडियो के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये 2 से 3 मिनट लगाकर हमको अच्छे से क्लीन कर देना है। फिर हमारे फेस पर हमको लगाना है मास्क। ये एक ऑर्गेनिक फेस एंटी टैन मास्क है, जो कि हमारे फेस पर टैनिंग है उसको तो हमने रिमूव कर दिया है स्क्रब की हेल्प से, पर ये जो हमारे फेस को एक्सफोलिएट करेगा बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग एंड फ्रेश दिखाएगा हाँ हमारे फेस को। और जो हमने हमारे फेस पर मसाजेस की हैं उसको हमारी स्किन के जो पोर्स हैं उसको रिलैक्स करेगा। तो मास्क हमको 10 to 15 minutes रहने देना है जब तक ये सूख ना जाए, और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा हमको वाटर है वो डैप करना है, फिर धीरे धीरे वेट वाइप से या फिर वेट स्पॉन्ज से रिमूव करना है। इस पूरे क्लीनअप से हमारा फेस अच्छे से डीटेन हो चुका है। तो इसके लिए मैं अच्छा एक स्किन केयर भी बता रही हूँ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। अगर ये जो हमने अभी किया है क्लीनअप, इसको हमको लॉन्ग टाइम तक चलाना है तो ऑफकोर्स स्किन का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमको अच्छे से बेनिफिशियल रहे इसके लिए हमको, जो कि ऑर्गेनिक हार्वेस्ट में प्रीमियम रेंज में आता है और यह आपकी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करने में काफ़ी हेल्प करेगा और हमारा जो क्लीनअप है उसको ड्यूरिंग रखेगा। और साथ ही साथ हमको यूज़ करना है SPF हमारी स्किन के अकॉर्डिंग, और वो भी अगर हम ये हमारा क्लीनअप है वो ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो साथ में प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के यूज़ करें ताकि आपको रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा मिले। ये सब हमको करने के बाद क्रीम यूज़ करनी है, फिर सनस्क्रीन भी यूज़ करना है ताकि हमारी स्किन सनबर्न से बच सके और हमारी स्किन का काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्शन हो जाए। तो जो भी हमको जैसे कि SPF 30 SPF 50, इसके बारे में भी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। मैंने आज के वीडियो में आपको बताया है स्किन का क्लीनअप, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप घर बैठे ये
आपके फेस की टैनिंग है वो रिमूव कर सकते हो, और कैसे किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैंने बताया है। अगर आपको ये बाय करना है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रही हूँ उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको शॉप करो की वेबसाइट से अगर परचेज़ करना है तो शॉप करो वेबसाइट से भी आप डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर से हैं, या फिर मैं नंबर दे दूँगी तो आप जहाँ पर भी बोलोगे हम शिफ्ट कर देंगे। ओके, आज तो मैंने आपको इतने अच्छे प्रोडक्ट के बारे में यानी जानकारी दी है। सबकी ये प्रॉब्लम रहती है, और मेरे खुद पर्सनल सैलून में यानी मेरे को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने देखने मिलती है कि सभी को सनबर्न और ये टैनिंग का काफ़ी इशू होता है। तो मैंने इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट बता दिया है, और ये आपके फेस पर इतने अच्छे से काम करने वाला है, मज़ा आ जाएगा आपको। चलते हैं अब घर पर, टाइम हो गया जाने का इसलिए। ओ आज तो ऑप्टिमा सही, क्या चमक गई है ये। घर पर आने के बाद मैंने मेथी की पूड़ी बनाने का डिसाइड किया, क्योंकि मेथी की पूड़िया ही बना दूंगी। मेथी का आटा बांध दिया है मैंने, थेपले तो बना दिए हैं, अब थेपले मैं मेरी प्लेट में लेके मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने कहा यार टाइम लैप्स नहीं देते हैं आपको, अच्छा ही कुछ देते हैं। तो डायरेक्ट पापड़ भी तल दिया, ये हमारे थेपले, मैं फटाफट इसको खाना खा लेती हूँ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।